31 नंबर देखिए, 31 नंबर भी सेम उसी तरह का है। यहां पर मैं देख रहा हूं आपका P का वैल्यू 2 cot x हो जाएगा और Q का वैल्यू 3x स्क्वायर cos x स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसे। अब मैं यहां पे पुट कर, यहां पे क्या करूंगा, इंटीग्रल फैक्टर पहले निकालूंगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू x, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2 cot x dx। तो यहां से क्या हो जाएगा, e टू द पावर 2 log sin x, ठीक है, log sin x, ये पावर ऊपर चढ़ जाएगा यानी कि आ जाएगा यहां पे sin स्क्वायर x, समझ गए ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। अब लिखेंगे दिए गए अवकल समीकरण का हल, अवकल समीकरण का हल क्या हो जाएगा, y इंटू में इंटीग्रल फैक्टर बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू में इंटीग्रल फैक्टर dx और प्लस में c, समझ गया। चलिए यहां हो जाएगा y इंटू में इंटीग्रल फैक्टर क्या होगा, साइन स्क्वायर x है बराबर में cos, q का वैल्यू कितना है तो 3x स्क्वायर cos x स्क्वायर x और इंटीग्रल फैक्टर है साइन स्क्वायर x dx प्लस c, तो इसका तो वैल्यू 1 हो जाएगा ना, और 3 कौन सा बाहर निकलते हैं, y साइन स्क्वायर x बराबर में इंटीग्रेशन यहां पे क्या हो जाएगा, 3 बाहर निकाल लो, x स्क्वायर बचेगा dx और प्लस में c। देखिए इसका रूल क्या होता है, पावर में एक जोड़ के पावर नीचे उतार देंगे, तो y sin स्क्वायर x बराबर में 3 इंटू में x क्यूब बटा 3, पावर में एक जोड़ के पावर नीचे उतार दिए, 3 से 3 कट गया, y sin स्क्वायर x बराबर में x क्यूब प्लस c, यहां से हमारा अवकल समीकरण का हल आ गया। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। आप हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करेंगे, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा छपरा, दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, वहां हमारे वेबसाइट से जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, उन्हें पढ़ भी सकते हैं। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे चैनल के वीडियो आप लोगों को कैसे लगते हैं।